निपाल क्रिकेट टीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये चार कैप्टन अभी तक रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, खास करके जो ओडिया स्टेटस मिलने के बाद से पारस, ज्ञानेंद्र मल्ला, संदीप रामीचाने और कहीं कहीं पर ओकेशनली रोहित पटेल को भी कप्तान बनाया गया। जी हाँ, इसलिए हमने ओकेशनली कहा कप्तान बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल एक टीम के सामने ये जरूर है कि क्या इनमें से कौन सबसे बेहतर कप्तान निकल कर आया है टीम के लिए और क्यों, क्या इनके योगदान रहे हैं, क्या इनकी विनिंग परसेंटेज है, और फिर एट द एंड इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चारों में से बेहतर कप्तान कौन रहे हैं या फिर कौन आगे हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पारस कलका की अगर हम बात करें तो उनको आप इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दीजिए। जी हाँ, किसी भी हाल में एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि पारस कलका ने अगर कप्तानी के लिए लेके बैठे तो मुझे लगता है अभी 10-15 चिराग लेकर और निकलना पड़ेगा, तब जाकर पारस कलका जैसा कैप्टन नेपाल क्रिकेट टीम को मिल सकता है, जिन्होंने आपको जिसकी कप्तानी में टीम T20 वर्ल्ड कप खेली, जिनकी कप्तानी के अंडर ओडिया स्टेटस टीम को मिला, ओडिया स्टेटस मिलने के लिए जो मैचेस जिनमें परफॉर्म करना था उनकी इनिंग के बदौलत टीम को कहीं ना कहीं ओडिया स्टेटस मिलने में हेल्प हुई, और ऐसे अनगिनत पहलू रहे हैं डिविजन क्रिकेट में जहां पर उन्होंने जबरदस्त योगदान दिया। सबसे बड़ी बात टीम को वर्ल्ड कप खिलाना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप किसी भी हाल में पारस को इन तीनों के मुकाबले कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो आप पारस को बिल्कुल स्टैंड आउट रखिए, और जब से ओडिया स्टेटस मिला उनके बाद उन्होंने ज्यादा मैचेस में कप्तानी की भी नहीं है, तो पारस बिल्कुल स्टैंड आउट होते हैं, वो समझ लीजिए इन तीनों के लिए बेंचमार्क होंगे कि हमें उन्हें छूना है। अब वापस से बात कर लेते हैं इन तीन कप्तानों के बीच में, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, संदीप लामिचाने और ओकेशनल रोहित पुड़ैल के बारे में। सबसे पहले ज्ञानेंद्र मल्ला के स्टैट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि एज अ कप्तान उनके अंडर में टीम ने कैसा परफॉर्म किया दोनों फॉर्मेट में, प्लस उनके उनके खुद का परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन जब भी वो कप्तान है। नहीं जरूर, देखिए खुद के एज अ कैप्टन अगर उनका खुद का परफॉर्मेंस देखेंगे आप ODI में, तो उन्होंने 10 मैचेस में कप्तानी की है जिसमें 275 रन बनाए हैं। ODI की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एज अ कैप्टन, और वहीं पर एज अ कैप्टन अगर आप उनको T20I में देखेंगे तो 12 मैचेस में 390 रन उन्होंने किए हैं एज अ कैप्टन, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं खुद भी, और T20I में खासकर फिर से रन काफ़ी बेहतर है। वहीं पर आप उनके एज अ कैप्टन विन परसेंट विनिंग को देखेंगे, विन और लॉस को देखेंगे कि 10 मैच में उन्होंने 6 में जीत दर्ज की है और 4 में उन्हें हार मिली है। ODI की हम बात कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल की। वहीं पर T20I को अगर आप देखेंगे उठाकर उनका रिकॉर्ड, तो 12 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है जिसमें कि 9 में जीत मिली है और 3 में हार मिली है। बहुत बहुत ही शानदार उनका ये रिकॉर्ड। बिल्कुल, तो क्लियर है कि ODI में उनका विनिंग परसेंटेज 60% है एज अ कैप्टन और T20I में उनका विनिंग परसेंटेज है 75 एज अ कैप्टन, तो काफी अच्छा है कि 60 और 75 है, ऐसा नहीं कि 50 से नीचे है। और एज अ कैप्टन रन्स के मुकाबले अगर बात करें तो T20I में वनडे के मुकाबले बेहतर है। ये बात हो गई ज्ञानेंद्र मल्ला के स्टैट्स की। आगे जाकर आपको जरूर बताएंगे कि आखिर कौन किस तरह से एक दूसरे के से बेहतर रहे हैं। अब यहाँ अगर संदीप लामिचाने की यहाँ मैं बात करूँ तो संदीप लामिचाने को इस साल कप्तान बनाया गया, उनके स्टैट्स क्या कहते हैं, और एज अ कैप्टन उनके परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो उसमें कितना लिखा रहा है और विनिंग परसेंटेज। जरूर, देखिए एज अ कैप्टन की बात करें तो उन्होंने ODI में 14 मैचेस में 28 विकेट निकाले हैं, बहुत ही शानदार उनका परफॉर्म रहा है, डबल है इसका ODI पर, बिल्कुल ODI में। और वहीं पर बात करें अगर हम T20I की तो उन्होंने 18 मैचेस में कप्तानी की है जिसमें 38 विकेट उन्होंने निकाले, यानी कि इस साल, अरे बिल्कुल सही, इसी साल उन्होंने कप्तानी शुरू की क्योंकि लास्ट ईयर ही इसी साल ज्ञानेंद्र मल्ला को कुछ इशू हुआ था, हम सब जानते हैं। तो अगर उनको कप्तानी रिकॉर्ड को देखें हम कि उनका लॉस और विन क्या है, तो यहाँ पर ODI में उन्होंने 14 मैचों में कप्तानी की है जिसमें कि 4 में सिर्फ जीत मिली है और 9 मैच नेपाल हारा है और 1 मैच टाई रहा है उनकी कप्तानी में। वहीं T20I की बात करें तो 18 मैचेस में कप्तानी की है, सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले प्लेयर भी है नेपाल के लिए। वहीं 13 में जीत मिली है T20I में और 5 मैचों में हार मिली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखें तो T20I में परफॉर्मेंस जो है, विनिंग परसेंटेज जो है, वो काफी बेहतर है ODI के मुकाबले। ODI में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पुअर रहा है, वो हमने देखा इस साल जो हाल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग में, 50% से नीचे पहुंच गए, डेफिनेटली नीचे है, और ऊपर से अपने होम में PNG के खिलाफ 2 ODI मैच की सीरीज भी आप टीम हार गई संदीप की कप्तानी में, तो डेफिनेटली संदीप की कप्तानी यहाँ पर टेस्टेड जरूर रही है। ODI में T20 के मुकाबले एक ग्लोबल क्वालिफायर में काफी नए थे उस वक्त, सीधा बनाया गया था तो उसको पैरामीटर अपना देखे, ओवरऑल T20 में देखे तो बेहतर हुई है, खुद का परफॉर्मेंस भी उनका काफी शानदार
शानदार रहा है और इस साल तो हैश विकेट लेके गई है वो T20 आईज में पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में भी। खैर अब बढ़ते हैं तीसरे फेस की तरफ। ओकेजनली सही लेकिन रोहित पोड़ैल को भी यहाँ पर 3-4 बार ट्राई किया गया है एज अ कैप्टन और स्पेसिफिकली उनको 50 ओवर में ही अभी तक ट्राई किया गया है एंड वहां पर क्या हाल है, उनका पर्सनल रिकॉर्ड क्या है और विनिंग परसेंटेज जरूर देखिए। आपने देखा उन्हें वो यूएसए जब गए थे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कप्तानी की, उसके बाद उन्होंने केन्या के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में कप्तानी की। तो यहाँ पर हम अब मैचेस को देखेंगे तो क्लियर है 4 मैचेस खेले हैं, चारों में उन्होंने जीत दिलाई है टीम को अपनी एज अ कैप्टनसी में। वनडे की बात करें और इसमें रन उन्होंने कितने किए हैं, जी हाँ 228 रन किए हैं इसमें। अभी यहाँ पर माफ कीजिएगा केन्या के खिलाफ भी वो अच्छा खेले, यहाँ पर टॉप 3-4 हाईएस्ट रनों में थे वो इस पूरे ओवरऑल सीरीज में। और जो हॉस्टन के खिलाफ एक मैच खेला उसमें शतक जड़ा था उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था और 4 मैचेस में 228 रन बनते हैं। और इनकी भी कप्तानी में ज़रूर एक वो चीज़ निकल के आई है जो हमने देखी है कि एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें ज़रूर है जो कि ज्ञानेंद्र मल्ला और संदीप लांगचाने में भी थोड़ी बहुत हमने, ज्ञानेंद्र मल्ला को तो बिल्कुल थी, संदीप में भी दिखी, अब इनमें भी हमें वो लीडरशिप क्वालिटी जरूर दिख रही है। बिल्कुल, तो सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं और कुछ नहीं है। ज्ञानेंद्र मल्ला की अलग तरीका था कप्तानी करने का, वहीं पर अगर बात करें संदीप लामिचाने की तो उनका एक अलग स्टार्ट था कि वो किस तरह से कप्तानी करते हैं नहीं करते, उनका एक अलग तरीका था। इतना है कि तीनों की कप्तानी करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अभी तक हमने 4 मैचेस में देखा है और अभी सबसे बड़ी बात की इंटरनेशनल गेम्स में रोहित पोड़ैल को भी और देखना बाकी है कि इंटरनेशनल मैचेस में जब टीम सामने तगड़ी आती है, टफ आती है, वहां पर कैसी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, वो एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखें तो तीनों का जो कप्तानी करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, ज्ञानेंद्र, संदीप और रोहित का। 4 मैचेस में चारों में शायद जीत मिली है और अभी तक 100% विनिंग रेशियो है, लेकिन वनडे गेम्स में देखना होगा क्या होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल एट द एंड ये है कि इन तीनों में से, क्योंकि तीनों ही अभी टीम में खेल रहे हैं, जी हाँ प्रेजेंट टीम में खेल रहे हैं, तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन से कप्तान सबसे बेहतर आपको लगे इन तीनों में से पिछले 1-2 सालों में और क्यों? उसका रीजन भी जरूर बताने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप रीजन जरूर बताइए कि इन तीनों में से सबसे बेहतर कप्तान आपको कौन लगे, क्यों लगे और दोनों फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने एक फॉर्मेट किया दूसरे फॉर्मेट को भूल गए और एक ओडीआई का किया तो रोहित के लिए अप्लाई हो सकता है। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जी हाँ ये रोहित के लिए अप्लाई हो सकता है। आप रोहित के मौके पर अगर आपको रोहित पसंद है तो उनके जब आप रीजन बताएं तो आप उसे चलिए हम एक्सक्लूड मान लेंगे कि हाँ क्योंकि उन्होंने T20 भी करा ही नहीं है। लेकिन ज्ञानेंद्र और संदीप को आपको दोनों पैरामीटर में तोड़ना होगा तब आप उनके बारे में कह सकते हैं। तो आपकी क्या राय जरूर बताइएगा कि ज्ञानेंद्र, संदीप और रोहित में कौन सबसे बेहतर कप्तान आपको लगे और रीजंस क्या है एंड कंक्लूजन करें। नहीं बिल्कुल, देखिए तीनों के अंदर जैसा आपने कहा डिफर क्वालिटीज हैं लेकिन तो कुछ गलतियां भी इन्होंने की हैं। अगर मैं चाहूंगा कि वो आप भी अपने जब आप कमेंट करें आप सब तो उसको जरूर एक दिमाग में रखें और अगर लगे कि हाँ यार ये इन्होंने ऐसी गलती की थी, ऐसा नहीं है कि लोग एक ही उसमें आकर किसी एक के पीछे वो हो गए कि अरे अरे ये बेकार है ये बेकार है, नहीं थोड़ी बेकार है क्या रोहित ने भी करी। बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा पहले कि आप किसे क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ ये है डिफरेंट क्वालिटीज हैं तो डिफरेंट मैं कहूँगा चैलेंजेस भी रहे होंगे सामने, उसको जरूर देखिएगा। और रोहित पोड़ैल तो खैर आने वाले जरूर है, हमें उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त पर कप्तान जरूर बनेंगे। बिल्कुल, तो कमेंट जरूर करिए कि इन तीनों में से कौन से बेहतर कैप्टन आपको लग रहे हैं और क्यों, रीजन जरूर दीजिएगा उसका और क्यों नहीं वो भी बताने की कोशिश जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।